हेलो फ्रेंड, स्वागत है सबके नई वीडियो में। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, चिकलेट आ रही है और ये कंटिन्यू जलती रहती है। तो इसमें लाइट आ रही है, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये लाइट कंटिन्यू चल रही है, और इसकी हीटर की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। अब ये क्यों कर रही है, पहले इसे स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखेंगे क्यों आ रही है ये। करो स्कैन। जाएंगे एशियन में, सबसे नीचे स्लोट करेंगे, और नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ, करेंगे टाटा इंडियन में। टाटा इंडियन ये हमारी है टाटा मांजा। करेंगे व्हीकल सिलेक्शन में, फर्स्ट वाले पे, पैसेंजर पे, फर्स्ट वाले पे। ये हमारी टाटा मांजा है, तो मांजा पर क्लिक करेंगे। ये हमारी डीजल है, तो डीजल पे जाएंगे। क्वार्टर जेट इंजन है, फर्स्ट वाले करेंगे। सिस्टम सिलेक्शन पे जाएंगे, ईएमएस करेंगे, रीड फोल्ड करेंगे। तो इसमें ग्लो प्लग का आ रहा है, ग्लो प्लग कंट्रोलर ओपन सर्किट का आ रहा है। तो ओपन सर्किट मैंने आपको बताया भी था, या तो कोई वायर टूटी हुई होती है, या तो कोई मॉडल में कोई मॉडल में प्रॉब्लम होती है तो तभी दिक्कत करता है। तो सर्किट ओपन का मतलब ये होता है। अब देखते हैं सर्किट ओपन, आपको दिखाता हूँ कोई वायर टूटी है क्या है। कभी क्या होता है, कोई निकल जाता है कहीं से, कोई बाहर वायर हो जाता है। तो उसमें किलो प्लग की वजह से हमारी चेकिंग लाइट भी आ रही है और लाइट भी बिलिंग कर रही है, सिर्फ किलो प्लग की वजह से। तो किलो प्लग का पहले देखेंगे, इसका किलो प्लग का कंट्रोलर यही लगा होगा, यहाँ नीचे लगा होता है। इसका ग्लो प्लग कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है, तो कंट्रोलर का सर्किट ओपन दिखा रहा है। पहले तो इसकी पहले ग्लो प्लग का चेक करेंगे, चारों में करंट आ रहा नहीं आ रहा है। अगर चारों में से एक में भी करंट नहीं आ रहा हो तभी सर्किट ओपन दिखाएगा। तो उसमें ग्लो प्लग का आ रहा है, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। पहले चारों में 12 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा है। तो उसको सेट करेंगे हम 20V पे। 20V पे सेट करने के बाद एक को लगाएंगे हम माइनस पे, सब पे देखेंगे 12 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा। तो इस पे 12 वोल्ट आ रहा पहले वाली पे। कार्ड को लगाओ, कार्ड की चाबी लगाओ दोबारा से, लगाओ। तो इस पे भी 12 वोल्ट आ रहा है। तीसरे पे देखेंगे, तीसरे भी 12 वोल्ट आ रहा है। चौथे पे देखेंगे, कार्ड की लगाओ तो ठीक है, चौथे भी 12 वोल्ट आ रहा। अब इसके हीटर प्लग चेक करेंगे, हमारा हीटर प्लग ठीक है नहीं है। तो एक वायर को तो हम लगाएंगे प्लस पे, प्लस पे लगाने के बाद हीटर प्लग को देखेंगे, यहाँ पे स्पार्किंग करेगा। तो ये नहीं कर रहा है स्पार्किंग, ये कर रहा है स्पार्किंग, ये ठीक है, ये भी कर रहा है, ये ठीक है, ये भी कर रहा है, ये ठीक है। तो हमारा पहले वाला देखते हैं, सही से वायर लग पाई थी नहीं, तो हमारा पहले वाला स्पार्किंग ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये हीटर प्लग खराब हो चुका है। तो इसमें ग्लो प्लग चेंज कर दिया हमने, अब इसमें लाइट देखेंगे क्लियर करके, जो हमारी लाइट क्लियर नहीं हो रही थी। इसको चाबी ऑन करेंगे, यहीं से कर लो। डीजल, वाटर जेट, सिस्टम सिलेक्शन, ईएमएस, तो क्लियर मारेंगे।
किधर मारेंगे से? रीड फोर कोड करेंगे, नोट फोर कोड। गाड़ी स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल। क्या क्या लिखे काम में? गाड़ी स्टार्ट करते हैं। काम में क्या लिखा, क्या करें? यहाँ पे हमारी लाइट जा चुकी है, जिसकी वजह से हमारी लाइट आ रही थी वो ग्लो प्लग की वजह से आ रही थी, तो ये प्लग खराब था, हमने इसे चेंज कर दिया। हमारी लाइट भी चली गई है, नो फोल्ड कोड भी आ गया है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, तो इन्होंने सारा कुछ फोल्ड वोल्ड देगा, ग्लो प्लग कौन सा चेंज वेंज करा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिखाते हैं आपको नए से नए फोल्ड।